हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल और मैं आज आपको जो भी आपकी सरकारी भर्तियाँ हैं, मीन्स गवर्नमेंट जो जॉब हैं जिसकी वैकेंसी काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं, उस वैकेंसी का आज पूरा सच आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। जो इतनी सारी वैकेंसी हैं, जैसे लेखपाल है, BO है, UPSI है, PCS है, और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो कि आपकी रुकी हुई हैं, तो उन वैकेंसियों के आने का जो है रीज़न क्या है, वो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, तो उसका जो है सच आपको बता जाएगा। और ये वैकेंसी कब तक आएंगी ये बात भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए हमें भी इन्फॉर्मेशन लाने में टाइम लगता है, वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, तो अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब आपका चल रहा है 2020, और ये मैं आपको ये फालतू की बात नहीं बताऊंगी कि लॉकडाउन की वजह से जो है आपकी वैकेंसी रोक दी गई थी, क्योंकि इससे पहले भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। जैसे कि आपको पता होगा, लॉकडाउन तो आपका ये 2-3 महीने से ही है, इससे पहले वैकेंसी कौन सी आ रही थी, पहले से ही वह वैकेंसी तो रुकी हुई थी ना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 2020 से आपका 2021, ये जो जो समय है, इस समय को पूरा होने के बाद 2022 में क्या है, चुनाव आ रहे हैं, 2022 में आ रहे हैं चुनाव। तो ये इनका जो है टारगेट जो बन रहा है, इनका ये बन रहा है कि ये जो है वैकेंसी निकालेंगे आपकी 2020 से 21 के बीच में, ये निकालेंगे इसके बीच में वैकेंसी, क्योंकि जब नियुक्त ये आपको वैकेंसी के लिए करेंगे तभी तो ये लोग चुनाव के लिए खुद आयुक्त तो हो पाएंगे, तभी तो आप लोग इनको वोट देंगे। तो ये जो है आपकी वैकेंसी, मैं पूरे शोर के साथ कह रही हूँ, आपकी जो वैकेंसी आएंगी गाइस, अगले आने वाले 3 महीने में ही आपकी ये वैकेंसी आ लेंगी, चाहे वो आपकी लेखपाल की हो, BO की हो, UPSI की हो, PCS की हो, कोई सी भी वैकेंसी, ये वैकेंसी आपको जल्द ही मिलेंगी। कम से कम 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आएंगी, और ये वैकेंसी अलग अलग पदों पर आएंगी, ठीक है। आपकी लेखपाल पर जैसे 5,200 की वैकेंसी आएगी, और जो BO पद है, UPSI है, इन सभी पदों पर अलग अलग वैकेंसी निकलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये नॉलेज पसंद आई हो, तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्सों में इस नॉलेज को शेयर कर देना। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।